वक्त। बुआ जी नाराज हो जाएंगी, चुनाव तो लड़ ले, हमारी धरती है यूपी, लेकिन बुआ जी नाराज हो जाएंगी। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। समाज विरोधी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज तक जज नहीं बन पाते। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो करप्टेड जज थे उनके खिलाफ आवाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसा दिया गया है। ये जो बहुजन समाज के जज है ना वो द्रोणाचार्य लागू करना चाहते हैं, यहाँ अधिकार इनको ही हो, वो चाहते हैं हम लोग गुलाम बने रहे, ये नहीं हो पाएगा ना। लोकतंत्र है, स्वतंत्र भारत है। क्या लगता है चंद्रशेखर जी बढ़िया, क्या लगता है कि जो माहिया तरीके से जो महीन तरीके से ये सरकार आरक्षण खत्म कर रही है ओबीसी एसटी का 13 पॉइंट रोस्टर लाकर? वो तो हमेशा से ओबीसी के माइनॉरिटी के दलित समाज के खिलाफ रहे हैं, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं और उनके जातिवादी जो उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुजन क्या कर रहे हैं ये बड़ा सवाल। तो भीम आर्मी ने आज जो सपोर्ट किया है इसका जो मार्च का, इसमें क्या लगता है कि जो एक आक्रोश जो फैला है तो क्या सरकार झुक पाएगी? 2 अप्रैल के बाद जैसे सरकार झुकी थी झुकेगी क्या? 2019 बाद जब रोड पे आया है तो कुछ ना कुछ लेके गया, खाली हाथ नहीं गया बाबा। 2019 का चुनाव नजदीक है, क्या भीम आर्मी एसपी और बीएसपी का समर्थन करेगी, प्रचार करेगी? अभी चुनाव आने तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नहीं क्या बीएसपी और समाजवादी पूरे देश में गठबंधन हुआ है क्या? नहीं यूपी में, यूपी में भाजपा को तो हमने उसके लिए तो कह दिया था, अभी तो भाजपा को हराने के लिए पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो लोग भाजपा को हराएंगे उनको मदद करेंगे। और अगली क्या रणनीति होगी भीम आर्मी की? अगली रणनीति बताएंगे, पहले तो ये जरूरी है, ये जो जजों के माध्यम से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं ये इस पे काम करना जरूरी है। जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया और जो मांग कर रहे हैं 200 पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाए और अब शस्त्र भी आने वाला, तो जो दलित सांसद हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो गुलाम है, इस बार उन्हें गुलामी से आजादी दिलाएंगे क्योंकि गुलामों की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात कर लेते हैं, जो लोग अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं है उनको पढ़ना चाहिए संविधान को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 13 रोस्टर पॉइंट और 200 रोस्टर पॉइंट के मामले में अभी तक उनको ये पता नहीं कि आखिर क्या। लोगों को आज यहाँ देख रहे हैं वो जागृत लोग जी, जब बाबा साहब अकेले हमें इतनी ऊपर तक ला सकते हैं तो इतने लोग जागरूक हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से अधिकार छीन लेंगे। अधिकार तो छीन लेंगे लेकिन फिर भी भाजपा सरकार जो है वो किसी भी तरह का संज्ञान नहीं ले रही है, उसको आप किस तरह से चुनौती देंगे? देखिए चुनौती तो ये बहुजनों को, उनको पता तो लगा कि भाजपा उनकी विरोधी है, वो बार बार हमारे तो लोग ही उनकी मदद कर रहे थे जी। तो भाजपा का मूल स्वरूप है तो ये जो दलित वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को कमजोर ही रखना चाहते हैं, दबाव कहीं रखना चाहते हैं, तो वो अपना चाल निभा रहे हैं। अब बहुजनों की जिम्मेदारी की उनको सत्ता से बेदखल। ये जो दलित समाज के सांसद हैं क्या आपको नहीं लगता वो कासीराम साहब की उस बात को सच साबित कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं चमचा युग के शिकार हो रहे हैं? वो चमचा युग के शिकार हो रहे हैं और वो बाबा साहब ने जो कहा था कि इन गुलामों की वजह से 56 जब पहले चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एजुकेशन खत्म होना चाहिए। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या भीम आर्मी इस विरोध प्रदर्शन को आगे भी जारी रहेगी जब तक 200 पॉइंट रोस्टर अच्छी तरह से लागू नहीं? हमारा प्रयास है कि ये आंदोलन बढ़ के 2 अप्रैल जैसा हो जाए, तानाशाही सरकार को झुकना पड़े। उसके लिए भीम आर्मी क्या करेगी 2 अप्रैल जैसा आंदोलन? तैयारी चल रही है, जो लोग आ जाए उनसे बात होगी, बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या ये लड़ाई पॉलिटिकल तरीके से, राजनीतिक तरीके से हो गई है? नहीं राजनीतिक तरीके से तो है ही, लेकिन राजनेता तो घर बैठे हुए, अभी तो बहुजन समाज के युवा यहाँ खड़े हुए हैं, तो राजनीतिक लड़ाई तो जिन लोगों की राजनीतिक लड़ाई आज तक अब तक महसूस नहीं है उन्हें निकलना चाहिए घर से बाहर। बजट सत्र में 100 लोगों ने सवाल लगाए हैं आज, मुझे लोगों ने फोन करके बताया, सपा बसपा आरजेडी और डीएमके, 4 पार्टियों के लगभग सारे लोगों ने राज्यसभा लोकसभा में सवाल लगाए हैं। आपको क्या लग रहा है सोशल मीडिया 2 दिनों का कॉल और इस तरह की भीड़ है तो क्या साफ साफ इसको वोट में तब्दील करना होगा पॉलिटिकल? बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए और इनके बीच में भी आना चाहिए, मेरा निवेदन उनसे ये भी उनके बीच में। क्या भूमिका होगी इस पूरे 2019? बहुत देखिए जब पहली बार 2 अप्रैल हुआ तो मैं जेल से प्रयास कर रहा, जेल से जो मुझसे उपाय किया, अब मैं बाहर हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि इतना बड़ा आंदोलन हो कि तानाशाही सरकार को अभी झुकना पड़े और इस पर संसद में अध्यादेश आए। क्या लग रही उम्मीद लग रही है, SC ST Act का मामला हो चाहे रोस्टर का मामला हो,
सबसे ज्यादा नुकसान में आरक्षण कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी के लोग, क्या करना चाहिए? अधिकार बलिदान मांगते हैं, देना पड़ेगा। अगर लोग तैयार हो जाएंगे हमें अधिकार चाहिए तो फिर मेरे हिसाब से इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सबको एकजुट होना। क्या लग रहा है, आप देश भर में घूम रहे हैं लगातार बियॉन्ड द स्टेट, आप यूपी के अलावा तमाम राज्यों में रैली कर रहे हैं, जागरूकता आई है या और भी लाने की जरूरत है? नहीं, जागरूकता आई है, बस प्रयास ये है कि इनके लिए एक मोहरा भी मत बचेगी जिससे ये लोग लोकसभा में पहुँच जाए। भाजपा को पूरा घेर के रोकना पड़ेगा, जब कुत्ता पागल हो जाता है ना तो उसे घेर के मारा जाता है, अभी ऐसी स्थिति में भाजपा है। अब एक रिपोर्ट आई है कल कि कांग्रेस बीजेपी और तमाम ऐसे दलों में ऐसे एमपी एमएलए हैं जो खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो बिल्कुल जानबूझ के ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो 13 पॉइंट रोस्टर जानते ही नहीं है, तो क्या समाज को ऐसे लोगों से भी किनारा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे गुलामों को गुलामी से मुक्ति दिलानी चाहिए, उनको लोगों को चाहिए कि उनको संसद में ना भेजें। हम तो ऐसे लोगों को भी संसद में नहीं जाते जो हमारी वोटों पे जीत के जाते हैं और फिर हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। आप बड़े चेहरा हैं आज के डेट में, पूरा देश आपको सुनता है, पर भरोसा कर रहा है, सोशल मीडिया पर आप तुरंत वायरल हो रहे हैं, आप खुद भी वीडियो डाल रहे हैं, देश भर की खबरें भी बता रहे हैं, आप क्या इनिशिएट करेंगे, चुनाव में आएंगे, अपने लोगों को चुनाव में उतारेंगे, ऐसे युवाओं को जो आपके साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं? मेरा पहला प्रयास भाजपा को रोकने का है, मैं पूरे देश में भी आर्मी की टीम है उनको तैयार करूंगा कि भाजपा को रोकने के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि हमें ये युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कुछ लोगों के लिए राजनीतिक मिशन हो सकता है, राजनीतिक रोटियां हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये वजूद है, चेहरा है, बड़ा नाम है। मैं तो उन राजनीतिक पार्टियों को भी कुछ नहीं कह रहा जिनके जिनके एमपी आने आए। चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते आप 2019 में? अभी मुझे लगता है कि मेरे चुनाव लड़ने का समय नहीं है, मुझे चाहिए कि बहुत पूरे देश में जो मॉब है उसको इकट्ठा किया जाए। नहीं, आपने महाराष्ट्र में तो एक बयान दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, कुछ लोगों के पेट में दर्द करने के लिए दिया था क्योंकि लोगों को लगता है कि जनता उनके बाप की बपोती है, अगर कोई पीड़ित होगा भीम आर्मी के लोग मरेंगे, भीम आर्मी के लोग जेल जाएंगे, कोई नेता आवाज नहीं उठाएगा। कहीं ना कहीं समाज में कंफ्यूज है कि भीम आर्मी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है, किस तरफ है, चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? भीम आर्मी देखिए ना, भीम आर्मी एक बहुत बड़ी टीम है तो इसके फैसले बैठ के होते हैं, हवा हवाई नहीं होते। चंद्रशेखर इसका चेहरा है, मालिक नहीं है, तो जो संगठन कहेगा उस पर गौर किया जाए। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, 2019 का मौका है, इतनी ज्यादा क्रूशियल वक्त। बुआ जी नाराज हो जाएंगी, चुनाव तो लड़ ले, हमारी धरती है यूपी, लेकिन बुआ जी नाराज हो जाएंगी। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।